इस वक्त मैं दावत देना चाहूंगा वफाकी वजीर खजाना और महसूलात जनाब शौकत तरीन साहब से कि वो आए और अपने ख्याल के साथ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, खवातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब तो यंग हैं, मैंने 47 साल पहले जब बैंक ज्वाइन किया तो जो एक दूसरे की सेटलमेंट्स के चांदी तरीके थे, या तो कैश दे दें एक दूसरे को, या आप अगर चेक लेके जाएं तो बैंक में अगर आप डालेंगे किसी का चेक तो उसको दो दिन लगते थे, एक दिन वो जाता था क्लियरिंग में, दूसरे दिन आपका अकाउंट क्रेडिट होता था। और अगर खुदा ना खास्ता वो जो चेक है वो किसी और शहर का है तो उसमें 15 दिन लगते थे, क्योंकि वो जाता था फिर वो दूसरे शहर में क्लियरिंग होती थी, वापस लेके आते थे, पैसे मिल जाते थे। तो उससे हम अब देखें तो कहां पहुंच गए। ये जो रास्ता है इससे तो आप पर्सन टू पर्सन कुछ सेकंड्स के बीच में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है ये ऐसे ये सफर तय नहीं हुआ, ये हमारे स्टेट बैंक ने बड़ी मेहनत की है, डिजिटल बैंकिंग के बीच में बड़ी मेहनत की है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग में बड़ी मेहनत की है, जिसमें कि हम लोग ने जाहिर है सिक्योरिटी भी रखनी होती है। तो नादरा के साथ जिस तरीके से जो कनेक्ट किया जाता है जब भी अकाउंट खुलते हैं, और फिर ट्रांजैक्शंस में भी उस किस्म की ऑनबोर्डिंग थी, तो ये एक किस्म से रेवोल्यूशन क्रिएट किया गया है डिजिटल बैंकिंग में। इससे क्या होगा जो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब बता चुके हैं, लेकिन मेरे नजदीक ई कॉमर्स जो है वो बहुत बढ़ेगी, और ये उस वक्त भी बढ़ेगी जब ये पर्सन टू पर्सन से पर्सन टू मर्चेंट में जाएंगे। अभी ये नेक्स्ट स्टेप है, और मुझे ये जो आपके फ्रीलांसर्स आईटी वाले हैं उनके साथ मेरी जब मीटिंग हुई तो वो देर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉट ओनली दिस बट आल्सो पर्सन टू मर्चेंट, एंड दे बिलीव के उससे एक एब्सोल्यूट रेवोल्यूशन होगा उनके ख्याल के बीच में। ये हमें हमारी ग्रोथ जो है इन टेक्नोलॉजी जो है, और ऑब्वियसली आईटी में जो ग्रोथ है तो मोस्टली तो वो एक्सपोर्ट ही है, तो एक्सपोर्ट्स में बहुत फायदा होगा हमें। ये ऑप्टिमल यूज है आपके आपकी मोबाइल्स की, मोबाइल्स आपके पास आपको मालूम है हमारे पास तो 170-180 मिलियन मोबाइल्स हैं। और मेरे नजदीक में जब ये आप एफिशिएंसी लेके आएंगे इस सिस्टम में तो लोग इसको जब यूज करेंगे तो एक चीज तो उनको यूज करनी पड़ेगी और वो है बैंक्स, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन भी करेंगे ना तो किसी बैंक के थ्रू ही आपने करना ना, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा हमारा, क्योंकि जो हमारी ये जो कैश इन सर्कुलेशन है ये कम होगी और इससे लोग अपना जो पैसे हैं वो बैंक्स में लेके आएंगे और उससे हमारा सेविंग रेट बढ़ेगा। और ये मेरे नजदीक एक बहुत ही एक हमारी जो मैंने बहुत दफा कह चुका हूं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सेविंग रेट जो हमारा ये 15% है, ये हैज टू गो अप टू 28-30%, और बांग्लादेश वगैरह जो हैं वो इस रेट इधर जा चुके हैं, तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और हमारा जो हमारी जो बॉटम अप की जो हमारी स्कीम्स हैं, आरडीए है अपना, ये जो कामयाब जवान है, कामयाब पाकिस्तान है, और एहसास की बाकी चीजें हैं, आपको मालूम है कि ये जो भी एहसास राशन है, एहसास राशन ये जो आपने ये किया है तो अब इसको हम एहसास राशन को भी देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन अगर हो सकता है तो एहसास राशन को हम इसके ऊपर ऑनबोर्डिंग करें, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं वो नेशनल बैंक एक बीच में एंड्रॉयड आ जाता है और वो उसको ऑनबोर्ड करता है, तो ये इससे तो वो भी बहुत उसमें आसानियां हो जाएंगी। और हम 3-4 प्राइम मिनिस्टर और इनिशिएटिव अनाउंस करने वाले हैं अगले 5-10 दिन में टू हेल्प द लोअर मिडिल क्लास, द सैलरीड क्लास एंड मिडिल क्लास, जो कि इस वक्त इन्फ्लेशन जिन पे हो रहा है तो उसके बीच में भी ये बहुत काम आएंगे। तो I want to salute you, गवर्नर साहब, and I want to salute State Bank of Pakistan. और माशाल्लाह आप वो चीजें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत की एक किस्म से इनिशिएटिव्स हैं, तरजीहात हैं,
और फिर भी लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होगा तो पता नहीं किधर चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खातिम हजरात बहुत शुक्रिया फाकी वजीर खजाना और महसूलात जनाब शौकत तरीन साहब।